तो दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज जारी हो चुका है। फाइनली दोस्तों जेएसएससी ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिस जारी कर दिया गया कि किसका रनिंग कहां पे होगा और किस तरह से होगा। इस पर नया नियमों के साथ आप लोग का रनिंग होगा और किसका देख रेख में रनिंग होगा वो भी आपको बता दिया गया है। डीजीपी अजय कुमार सिंह आईपीएस जो है उसी का देख रेख में आप लोग का फिजिकल होने वाला। और क्या नोटिस, एक नया नोटिस जारी हुआ दोस्तों, इस बार बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों इस बार सबसे पहले आप लोग का एग्जाम का प्रोसेस नहीं होने वाला, सबसे पहले आप लोग का रनिंग का प्रोसेस होने वाला, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग का ये भी बताया गया था कि गर्ल्स का जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा आप लोग का कन्फ्यूज लग रहा था, तो फाइनली आप लोग का नोटिस में आप लोग को बता दिया कि जो गर्ल्स का टाइमिंग क्या रखा गया और आप लोग का जो नया नियम है दोस्तों आप लोग का वो भी आप लोग का चेंजिंग हो चुका है। देखिए यहाँ पर मोहर सिग्नेचर भी लग चुका है। ये नोटिस आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और चलिए हम लोग पूरा विस्तार से आपको समझा देते हैं ये नोटिस को। नमस्कार दोस्तों, सब लोग को जय दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग को जोहार। तो दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज जारी हो चुका है। जेएसएससी ने आप लोग का पेपर के माध्यम से नोटिस नहीं जारी किया, इस बार आप लोग का इस बार ऑफिशियल वेबसाइट में एक नया नोटिस जारी कर दिया गया दोस्तों। वो भी आप लोग अन्यथा स्टेट का रनिंग किस तरह से होगा और जो भी आप लोग झारखंड से बिलोंग करते हो ओबीसी एसटी कैटेगरी से, वो लोग का रनिंग का प्रक्रिया किस तरह से होने वाला आप लोग का इस वीडियो में डिटेल के साथ मालूम चल जाएगा। साथ में एक नया नोटिस में आप लोग क्या बताया गया, एक अफवाह फैल रहा था बहुत ज्यादा कि 5 किलोमीटर जो गर्ल्स का रनिंग है वो 30 मिनट टाइमिंग दिया गया, क्या आप लोग का वो सच है या गलत है आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। और किस तरह से आप लोग का रनिंग का प्रक्रिया इस बार होने वाला दोस्तों, क्या चीप सिस्टम होगा या नहीं होगा, या आपका रनिंग ग्राउंड पे होगा या रोड पे होगा, कहां पर किसका रनिंग होगा वो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ, आपको एक एक पॉइंट के साथ आपको बताया गया और आप लोगों को किस किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा जिस दिन आप लोगों का रनिंग होगा, आपको इतना विस्तार से कोई भी आप लोगों को समझाएगा नहीं दोस्तों। तो फाइनली चलिए हम लोग सबसे पहले आपको किस तरह से चेक करना, जो आप लोग का नोटिस जारी हुआ वो आप लोग को किस तरह से चेक करना वो हम लोग देख लेंगे। बहुत किसी को मन में डाउट होता है कि भाई आप कुछ भी आप लोग वीडियो बना देते हो, तो चलिए आप लोग दिखा देते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिस जारी हुआ भाई आपको किस तरह से चेक करना है, आप लोग खुद से भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप लोग का ये पीडीएफ जो भी नोटिस आता है दोस्तों, अगर आप लोग को जो भी अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम में हम सारा नोटिस भेज देते हैं। साथ में दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन लेवल किस तरह से आता है, क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आने वाला है, वो पेपर आप लोग को भेज देते हैं सारा टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में आप लोग 100% ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और जिस दिन होगा, जिस दिन आप लोग का रनिंग होगा, जिस जहां पर ग्राउंड पे आप लोग का, तो आप लोग ग्राउंड से भी आप लोग रिपोर्ट मिलेगा दोस्तों कि कहां पर कौन से ग्राउंड में कैसा रनिंग होता है, कहां पर कौन से ग्राउंड कैसा है कैसा नहीं है, पूरा डिटेल के साथ आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताने वाला है। तो ये जो वीडियो आएगा दोस्तों आपका भाई का चैनल का अमित ब्लॉग स्टार में ही चैनल पर आएगा, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उससे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं जो अभी नोटिस जो जारी हुआ दोस्तों, क्या नोटिस पे आपको बताया गया, पूरा एक एक पॉइंट के साथ आपको समझा देते हैं। फाइनली आप लोग के लिए दोस्तों, आप लोग का जो रनिंग का प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होने वाला वो बिल्कुल आपको मालूम चल जाएगा इस वीडियो पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नोटिस पे फोकस करते हैं, तो आप लोग स्किप करके अगर देखिएगा नहीं, आप लोग को ये भी इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ मालूम चलेगा। जिस दिन आप लोग का फिजिकल होगा उस दिन आप लोग क्या क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से आपका हाइट मेजरमेंट होता है, चेस्ट मेजरमेंट किस तरह से होता है, झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल का, झारखंड पुलिस का भी किस तरह से आप लोग का मेजरमेंट होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आप लोग इस वीडियो पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या नोटिस जारी हुआ। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल का जो अभी फाइनली नोटिस जारी हुआ, क्या आप लोगों का नोटिस जारी हुआ, चलिए हम लोग पूरा डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको झारखंड पुलिस यहाँ पर सर्च मारना है। जैसे आप झारखंड पुलिस का सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले जो आप लोग देखिएगा यहाँ पर, उसमें आप लोगों का क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आप लोग देखिए आप लोग क्या दिखेगा यहाँ पर, आप लोग का पूरा जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है आज का, देखिए आप लोग का नोटिस आप लोग 3 नंबर पर आप लोग जो हुआ है, ये 3 नंबर पे आप लोग का, 1, 2, 3 नंबर पे आप लोग का जो है, ये 3 नंबर पे आप लोग का आज आप लोग का एक नोटिस जारी हुआ है। क्या नोटिस हम लोग चलिए पूरा विस्तार के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोग को भी समझा देते हैं हम लोग इस वीडियो पे, आपको कोई किसी प्रकार से आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या नोटिस है आप लोग चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप लोग क्या करना है, सिंपल से 3 नंबर पर आपको क्लिक करना है। सिंपल से आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लिया हम लोग उसका। देखिए पूरा ये ओपन हो चुका है। देखिए आप लोगों को क्या आप लोगों को बताया गया था, उतना दिन से आप लोगों को पेपर के माध्यम से आप लोगों को लग रहा था कि ये बिल्कुल फेक है, ऐसे ही आदमी छपवा दिया है, तो लग रहा था। देखिए जेएसएससी ने ये अपना ऑफिशियल वेबसाइट में डाल दिया है, अब आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग तो बिल्कुल विश्वास कर ही लीजिए। देखिए ये जो आप लोग का होगा दोस्तों, आज ही का डेट से दोस्तों वो लोग का जो कमांडेंट है, जो आप लोग का फिजिकल लेने वाला, वो लोग का आज से दोस्तों 8 तारीख से लेकर आप लोग का 11 तारीख तक आप लोग का क्या, वो लोग का ट्रेनिंग चलेगा और किस प्रकार से आप लोग का रनिंग होगा, क्या होगा, किस तरह से वो लोग का काम करना है, पूरा विस्तार के साथ वो लोग का अभी बताया जाएगा। उसके बाद आप लोग का क्या बताया गया चलिए हम लोग देख लेते हैं।
पूरा विस्तार के साथ आपको समझा देते हैं, जो भी कैंडिडेट अभी नहीं समझे हैं पूरा विस्तार से आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों आप लोग का देखिए जो बताया गया था, बहुत लोगों का मन में डाउट था कि किस तरह से होगा, तो देखिए सबसे पहले जो आप लोग का फिजिकल होगा दोस्तों वो आप लोग का बायोमेट्रिक के तरह से, मतलब आप लोग का आधार कार्ड वहाँ पर आप लोग का लेके जाइएगा, वहाँ पर आप लोग का चेक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आप लोग का आधार के साथ लिंक होना चाहिए पैन कार्ड को, वो आप लोग करवा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आप लोग का बताया गया आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म सर्च, मतलब आप लोग का जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे वो आप लोग का, और सारा कुछ आप लोग का डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मम्मी का नाम पापा का नाम अगर गलती है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कोर्ट से एफिडेविट करवा लीजिएगा। तो सिंपल से उसके बाद आप लोग क्या करने वाला है, सभी लोग का एक मन में बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि भाई एक चीज़ आप बता दो कि जो गर्ल्स का जो अभी फिलहाल एक नोटिस आया क्या वो सही है या गलत है। तो फाइनली दोस्तों देखिए बॉयज का तो बिल्कुल सही बताया गया यहाँ पर, एक घंटे में आपको कितना, एक घंटा में आपको 10 किलोमीटर रनिंग करना है लड़का का। और गर्ल्स का देखिए आपको क्या बता दिया गया, यहाँ पर टाइमिंग घटा दिया गया, यहाँ पर 40, यहाँ पर नोटिफिकेशन में 40 मिनट दिया गया, बट यहाँ पर आपको देखिए नोटिफिकेशन जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में अभी जो नोटिस जारी हुआ इसमें आपको 5 किलोमीटर 30 मिनट में आपको दिया गया गर्ल्स का। तो दोस्तों ये आप लोग का डन हो गया गर्ल्स का, जो आप लोग का बहुत ज़्यादा संकोच था, तो फाइनली आप लोग का बता रहे थे ये जो नोटिस है आप लोग का बिल्कुल सही है, कोई फेकबाजी ऐसा नोटिस नहीं है, बिल्कुल आप लोग का अब 30 मिनट का टाइमिंग से आपको तैयारी करना है। जो भी कैंडिडेट आप 40 मिनट का कर रहे हैं तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा, और आप लोग डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करके रखिएगा। जो भी है आप लोग का, आप लोग का जो नया नोटिस जारी होगा वो आप लोग का 13 या 14 तारीख तक आपको मालूम चल जाएगा कि आप लोग का कहाँ पर किसका रनिंग हुआ, और इस वीडियो में भी आपको मालूम चल जाएगा कि आपका किस तरह से रनिंग का शेड्यूल बनाया गया। दोस्तों आपको पहले ही हम बता रहे थे, देखिएगा जो नोटिस आप लोग का बताया गया वो अगर आप लोग का नोटिस में आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा 1-2 दिन में तो फाइनली आप लोग का आ गया। अब आप लोग का ज़्यादा जो भी कैंडिडेट, इससे आप लोग का एक नोटिस आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी कैंडिडेट अभी तक रनिंग नहीं कर रहे हो आप लोग 100% रनिंग करना आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको बता दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट में, देखिए ये जो नोटिस दोस्तों किसके द्वारा जारी कर दिया गया ये आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट आप लोग का बात है, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का देखिए ये जो आप लोग का जो नोटिस आप लोग का जारी किया गया GDP यहाँ पर जो किसका, अजय कुमार सिंह का द्वारा यहाँ पर आप लोग का किया गया, जो आप लोग का ये कमांडेंट है सभी का देख रेख सबसे जो मेन ऑफिसर है इसी का द्वारा सारा कुछ यहाँ पर किया जाएगा। ये आपको बताया गया यहाँ पर आप लोग का किस तरह से प्रक्रिया, इसके द्वारा जो भी नोटिस आएगा इसका बाद अपडेट दिया जाएगा। और ये आप लोग एक चीज़ बता रहे हैं भाई लोग, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह का एक GK देख लीजिएगा, ये GK में भी आप लोग का पूछा जा सकता है कि आप लोग का जो ये है GDP अभी जो झारखंड का है, कौन आप लोग का नियुक्ति प्रक्रिया जो झारखंड पुलिस का अभी करवा रहा है, ये भी आप लोग आ सकता है इंपॉर्टेंट। एक नंबर का क्वेश्चन आपको 3 नंबर मिल जाएगा, समझ लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन आएगा 3 नंबर आपको मिल सकता है, तो वो चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिएगा। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं कि आप लोग को समझा देते हैं कि जो इसका रनिंग का प्रक्रिया किस तरह से होगा, गर्ल्स का किस तरह से आप लोग का हाइट मेजरमेंट चेस्ट मेजरमेंट होता है। चलिए हम लोग सभी लोग का हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो पे, तो चलिए हम लोग पूरा विस्तार से एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिए भाई लोग, जो भी आप लोग हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का प्रक्रिया होगा, किस तरह से आप लोग डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा आप लोग को पूरा विस्तार के साथ बताया जाएगा इस वीडियो पे। तो चलिए हम लोग पूरा वीडियो का लास्ट तक बनते हैं दोस्तों, आप लोग देखिए आप लोग का किस तरह से आप लोग प्रोसेस होने वाला है, हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आप बिल्कुल मालूम चल गया कि आप लोगों का बहुत लोगों को फेक लग रहा था कि पेपर के माध्यम से, तो पेपर में तो ऐसे बार बार छाप दिया जाता, बट अब आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में भी ये नोटिस जारी कर दिया गया। और सबसे बड़ा बात है दोस्तों, गर्ल्स लोग का बहुत ज्यादा एक दिक्कत था कि बहुत लोगों का कंफ्यूज था कि जो आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे जब नोटिस आप लोग का जारी हुआ था नोटिफिकेशन की कितना क्या लगेगा, रनिंग का प्रक्रिया क्या होगा, तो दोस्तों उसमें आप लोगों को बताया गया था गर्ल्स का 40 मिनट आप लोग का 5 किलोमीटर आप लोग का रखा गया था टाइमिंग। बट अब आप लोगों का क्या कर दिया गया है, अभी जो फिलहाल नोटिस जारी हुआ उसमें आप लोगों को क्या बताया गया कि आप लोगों को 30 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा 5 किलोमीटर के लिए, समझ लीजिए। इसमें आप लोग क्या पता चल रहा है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी करेगा तभी आप लोग का निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन आप लोग का यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉर्म भराया गया, कैसे भी करके आपको वहां पर छाटा जा रहा, समझ लीजिए। गर्ल्स को बॉयज का तो टाइमिंग आपको 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर लगभग ठीक है, गर्ल्स का भी आप लोग का टाइमिंग घटा दिया गया, 40 मिनट होता तो आप लोग के लिए बेहतर रहता, बट अब तो 30 मिनट का आपको तैयारी आपको हिसाब में आप बहुत कोई ऐसा था कि आराम से चल के रनिंग कर लेंगे, बट अब आप लोग को चल के नहीं आपको रनिंग करके आपको रनिंग निकालना पड़ेगा, समझ लीजिए। इसलिए आप लोग अभी जो भी आप लोग सीरियस से अभी रनिंग नहीं कर रहे थे, आप लोग सीरियस होकर आप रनिंग कीजिए। जितना भी मेरा बहन जितना भी लोग देख रहे हो सभी लोग को आप लोग रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अब आप लोग लग जाइए, क्योंकि झारखंड में बहुत दिनों का बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रहा और 2024 से पहले दोस्तों ये ज्वाइनिंग भी करवा देगा, समझ लीजिए इतना ज्यादा प्रोसेस स्पीड होने वाला है। और दोस्तों ये जो आप लोग का प्रक्रिया जो कमांडेंट है दोस्तों अजय कुमार DGP जो है अजय कुमार के द्वारा ये लिया जा रहा है इस बार दोस्तों आप लोग का,
नया नियुक्त जो झारखंड पुलिस का यो भर्ती का प्रक्रिया होगा वही लेगा डीजीपी अजय कुमार सिंह ने। इसीलिए अपने तरफ से इस बार आप लोग लग जाइए, खास करके आपको स्पेशल हम लोग वीडियो बना देंगे हाइट मेजरमेंट के लिए। देखिए आप लोग हाइट मेजरमेंट किस तरह से आप लोग लिया जाएगा, सबसे पहले आपको ऐसे सिंपल से खड़ा हो जाना, आपको ज्यादा ऐसे ऐसे नहीं हिलना। जब भी आप खड़ा हो जाएगा तो आपको सीना ताड़ के आपको इस टाइप से आपको खड़ना है, ऐसा नहीं कि आपको लूज हो गया बैग आपको कंधा में है ऐसे करके आप झुक गए, ऐसा आपको नहीं। जब भी आप रनिंग कीजिएगा तो हाथ में आप बैग रखिएगा। जब आप इसमें क्या होता है कि लदक जाता है बैग, आपका हाइट यहाँ पर घट जाएगा एक इंची, वो लोग तो ऑलरेडी आपको जितना आपको हाइट लेगा उससे एक दो इंची वो लोग बढ़ा के ही रखेगा। इसलिए आप लोगों का रिक्वेस्ट है, जिसका हाइट आपको जितना एक्यूरेट मांगा गया उतना एक्यूरेट जिसका है उसको क्या करना है, अगर आपका बैग आपका जब आप एंट्री कीजिएगा उस टाइम आपको सिंपल से आपको बैग आपका यहाँ पर कंधा पर नहीं होना चाहिए। सिंपल से आपको बता रहे हैं, आप लोग के लिए बहला के लिए आपको बता रहे हैं, मेन मेन पॉइंट चीजों का ध्यान रखिएगा। यूनिक यूनिक चीज अगर आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं तो अपना गलती की वजह से रिजल्ट आपको कुछ कुछ चालाकी अपने से भी करना पड़ता है, समझ लीजिए। अब रनिंग के लिए जाइएगा तो सिंपल से आपको अब हाइट मेजरमेंट यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ठोकेगा, एक बांस का कुछ लगा रहता है उसमें आपको हाइट का वहां पर सिंपल से आपको इस टाइप से खड़ा होना है, ऐसे करके आपको लदक जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका हाइट कम हो जाएगा। इसलिए अपना और जिसका खास कर काम बता रहे हैं ये चेस्ट, जिसका बॉयज के लिए हम स्पेशल बता रहे हैं, जिसका चेस्ट है तो उसका कम है, अगर किसी का कम है तो सिंपल सा भी आप लोग डिप्स वगैरह मारिए, साथ साथ में आपको डाइट भी लीजिए। 10 किलोमीटर अगर 10 किलोमीटर रनिंग कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका जो चेस्ट है आपका जो फुला हुआ ऑटोमेटिक आपको थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, समझ लीजिए। अरे ये जो चेस्ट मेजरमेंट होगा आप रनिंग कीजिएगा उसके बाद ही चेस्ट मेजरमेंट होगा आपका, पहले तो लेगा नहीं आपका चेस्ट मेजर, पहले ले लेता तो बात अलग ही होता। जब चेस्ट मेजरमेंट होगा दोस्तों आप लोग 10 किलोमीटर रनिंग करके आइएगा तो जो चेस्ट आपको फुला रहेगा वो आपका सिकुड़ जाएगा यहाँ पर, मतलब आपको नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए आपको घर में ही पहले से आपको फुला लेना है, बट वहां पर मौका दिया जाएगा आपको, अगर आप चेस्ट में रिजेक्ट होते तो आपको बोलेगा कि आप 10-15 बार आप डिप्स मारे हो उसके बाद भी, बट आपको 10 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आपके पास इतना एनर्जी नहीं रहेगा। इसलिए आप पहले से आप जिम होगा सॉरी जिम नहीं करना आपको, आपको पहले ही आपको घर में जो ईटा वगैरह है इस टाइप से आपको बना लेना और डिप्स वगैरह अच्छा सा सेटअप वगैरह मारते रहिए। अभी गर्ल्स के लिए तो आपको हाइट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा चालाकी आप लोग सीखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप लोग जाइएगा आप हाइट नपवाने के लिए आप बैग अपना यहाँ पर रखिएगा, बैग में नहीं नपवाना आपको, क्योंकि वो लोग चाहता है कि कैसे भी करके वो लोग रिजेक्ट हो। इतना कम वैकेंसी आप लोग है, 583 वैकेंसी यहाँ पर, कितना 4 लाख आप लोग वैकेंसी था, 1 लाख ऑलरेडी आप लोग का फॉर्म में रिजेक्ट हो गया था, बहुत लोगों का फॉर्म में बचा दिया, समझ लीजिए। फॉर्म में क्या हो रहा था कि भाई लोग मम्मी का नाम पापा का नाम बहुत अलग अलग टाइप से फॉर्म भर रहा था, वो लोग को फोन करके मेरे को, तो कोई भी यूट्यूबर आपको एक चीज देख लीजिएगा मेरा भाई लोग कि कोई भी यूट्यूबर आपको रिप्लाई तक नहीं देता है, बट मेरा 2,70,000 सब्सक्राइबर है, कभी आज तक कभी घमंड नहीं खाए कि मेरा इतना सब्सक्राइबर है तो हम क्यों बात करें, कमेंट का क्यों रिप्लाई दे, आप लोग से हम बने तो हम क्यों नहीं दे आप लोग को रिप्लाई भाई। सिंपल से आप लोग के लिए हम बने तो हम आप लोग को कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए हैं, यहाँ तक बहुत लोगों का मेरे से कॉन्टेक्ट में बात करता है, कोई भी यूट्यूबर आपको नंबर नहीं देगा, आपको 100% देता है भाई, कोई भी नहीं, बट आप लोग हम नंबर से बात कर लेते हैं, इतना मैनेज करके आप लोग बात करते हैं, आप लोग के लिए हमेशा हम सोचते हैं भाई। बट बहुत सारा यूट्यूबर मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना के आपको बोलता है कि भाई ऐसा वीडियो बना रहा है वैसा वीडियो बना रहा है, जो भी आपको बताते हैं अपने अपने लिए नहीं बताते भाई, आप लोग के लिए हम बताते हैं जो आप लोग भर्ती में देखते हैं, क्योंकि आज तक इतना सारा भर्ती में जा चुके हैं, सारा आप लोग देख भी सकते हो मेरे वीडियो पे, बहुत सारा वीडियो मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ आप लोग देख लीजिएगा कि हर एक आप लोग का कहाँ पर किस तरह होता है, मेडिकल का प्रोसेस कैसे होता है, SSC GD का रनिंग कैसे होता है, सारा इंटरव्यू आप लोग का लिया हुआ है भाई वहां पर। इसलिए आपको हम बताते हैं वो चीजों का आप माइंड में सोचिए कि भाई बिल्कुल सही बता रहे, भले मेरा वीडियो अब थोड़ा सा लंबा लगेगा बट आप हर एक स्टेप को आपको समझा के बताते हैं मेरा भाई। तो बिल्कुल आप लोग अभी तक अगर कोई रनिंग नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल रनिंग करना स्टार्ट कर दो मेरा भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना भी भाई बहन जो भी आप लोग हो आप लोग लग जाइए आप, क्योंकि आप लोग का भाई इतना दिन का बस ये बहुत अच्छा वैकेंसी है, बहुत अच्छा जॉब भी है, इसलिए झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी आने वाला है। इसलिए जब तक आप रनिंग का प्रोसेस नहीं कीजिएगा, साथ साथ में आपको एग्जाम का प्रोसेस अगर आपको करना है, साथ में ऐसा नहीं कि आप रनिंग करो तो रनिंग ही करो, आपको एग्जाम का पैटर्न को भी ध्यान देना है। इसलिए आपको एग्जाम के लिए दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है सारा आपको टेलीग्राम में भेज देते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम में जाके ऐड हो जाना, सारा आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन लेवल किस टाइप से पूछा जाता है, मैथ का आप लोग का 10 क्वेश्चन रहेगा तो 10 क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक से पूछा जाएगा सारा आपको बता दिया गया भाई, हिंदी से आपको किस तरह से पूछा जाएगा, इंग्लिश का जो पेपर रहेगा वो कैसे रहेगा, लैंग्वेज 1 पेपर में आपको क्या क्वालिफाई करना है, ओनली आपको 30% आपको 33% आपको वहां पर पास करना है, लेकिन लैंग्वेज 2 और 3 में जो है आप लोग का वहां पर आपको वहां पर क्वालिफाई आप लोग को करना पड़ेगा, उसी का
पेपर वन, पेपर जो पेपर वन में तो आपको पास करना पड़ेगा, 33 पॉइंट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आपका दूसरा पेपर वहां पर चेक होगा। तीसरा पेपर में जो आप लोगों का दूसरा तीसरा है उसमें आपको मेरिट बनेगा उसी का बेस में, समझ लीजिए। इसलिए आपको एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना है, आपको लेके चलना सब कुछ। अगर कोई भी दिक्कत होता तो आप सिंपल से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, भले रिप्लाई मेरा थोड़ा सा लेट होगा, इतना ज्यादा आप लोग ही समझिए कि इतना ज्यादा लोगों ने कमेंट करता तो रिप्लाई देने में कभी कभी लेट हो जाता, बीच बीच में मेरा प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज्यादा अभी कमेंट, तो मेरा जो टीम है वो काम करेगा ही, टेंशन मत लीजिए। और जितना भी हो पाएगा सभी लोगों का रिप्लाई हम दे ही देते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। और अगर ज्यादा जल्दी अगर रिप्लाई देते हो, मेरे को इंस्टाग्राम में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो एक्टिव आप इंस्टाग्राम में मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सभी लोगों को जोहार, मेरी तरफ से जय हिंद, भारत माता की जय।